हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। पूर्व मंत्री एवं विधायक एकनाथ राव खड़से की परिवार की बदनामी की बात को लेकर धमकी और जबरन वसूली की मांग करने वाले यावल के पार्षद सुधाकर धनगर को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। सुधाकर को पुलिस ने औरंगाबाद से पकड़कर यावल लाया और आगे की कार्रवाई अब पुलिस कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 मार्च को शाम को यावल के पूर्ण ब्रह्मा होटल में आरोपी सुधाकर ने पार्षद अतुल पाटिल को पाटिल और पूर्व मंत्री एकनाथ राव खड़से के परिवार की बदनामी करने वाली आक्षेपहार्य मोबाइल क्लिप बताते हुए और दिखाते हुए 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद अतुल पाटिल ने आरोपी को 10,000 रुपए दिए थे और बाकी के पैसे बाद में देने की बात कही। सुधाकर धनकर ने अतुल को पैसे न देने पर हाथ पैर तोड़ने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद शनिवार को देर शाम अतुल पाटिल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। सुधाकर धनगर ही व्यक्ति म्हणजे नगर सेवक असून त्याने जेव्हापासून तो निवडून आलेला आहे तेव्हापासून पूर्ण यावल मध्ये अशांतता सारखं वातावरण आहे। तो केव्हाही कोणालाही जातीविषयी बोलत असतो आणि विनाकारण कोणाचंही नाव घेऊन जातीवरनं बोलत असतो। सुधाकर धनगर हे यावलचे नगरसेवक आहेत, त्यांनी आमचे नेते एकनाथ भाऊ खडसे यांच्याविषयी हे अर्वाच्य शब्द वापरले आणि त्यांच्या परिवाराविषयी जे अपशब्द वापरले त्यांना ही लाजेवाली बाब आहे। त्यांनी त्या या बाबीशी आम्ही त्यांचा निषेध करतो। माननीय आमदार नाथभाऊ खडसे हे आमचे खानदेशचे आराध्य दैवत आहे। पूर्ण खानदेश पूर्ण महाराष्ट्र जो आहे त्यांच्या पाठीशी आहे, त्यांच्या शब्दाला मान देणारा आहे। आणि अशा व्यक्तीच्या विरोधात सुधाकर धनगर यावलच्या नगरसेवकांनी अशी अर्वाच्य भाषा वापरलेली आहे, त्यांच्या परिवाराबद्दल अपशब्द वापरलेले आहे आणि माननीय एकनाथरावजी खडसे यांची बदनामी करेल असे शब्द वापरून खंडणी मागण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे। तरी या सगळ्या गोष्टींचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। बात चुकी जिले के वरिष्ठ नेता एकनाथ राव खड़से से संबंधित थी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और सुधाकर को औरंगाबाद से पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। जलगांव के यावल से अरुण पाटिल के साथ संजय सिंह चौहान की रिपोर्ट, दी आप तक न्यूज के लिए।